नमस्कार, स्वागत है आपका दबंग न्यूज इंदौर में और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। खंडवा में महिला सफाई कर्मी लाडली बहना 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी है। प्रदेश के सफाई कर्मचारी कामगारों को स्थायी करें। पूरे प्रदेश से कामगार नेता खंडवा पहुंचा रहे हैं। अब बृहनला भी समर्थन में मंच पर। एक तरफ पूरे प्रदेश में लाडली बहनों को प्रदेश के मुखिया बांट रहे हैं, वही खंडवा नगर पालिक निगम की सफाई संरक्षक श्रीमती रंजीता चौहान विगत 14 दिनों से प्रदेश के सभी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग को लेकर नगर निगम के सामने लाडली बहना भूख हड़ताल कर रही है, जहां संपूर्ण प्रदेश के विभिन्न जिलों के कर्मचारी नेता समर्थन देने यहां पहुंच रहे हैं। उक्त जानकारी देते हुए युवा कामगार संघ अध्यक्ष सूरज गौहर ने बताया कि खंडवा नगर पालिक निगम की सफाई कर्मी श्रीमती रंजीता चौहान के समर्थन में शहर की चारों पंचायतों सहित 5 संगठनों के मुखिया खंडवा पहुंचे और रंजीता चौहान के समर्थन में मंच साझा किया, जहां मंच पर खंडवा के अलावा भोपाल, इटारसी, खरगोन, इंदौर सहित पंजाब के विधायक भी मौजूद थे। पंचायत के रमेश कल्याणी, महावाल्मीकि पंचायत के पटेल सचिन ने लाडली बेटी रंजीता को साफा बांध कर सम्मानित किया और मंच पर इंदौर के वक्ताओं में बीजेपी पूर्व पार्षद हरीश नागर, शिव घावली, महेश गौहर, बालकृष्ण करोसिया, युवा नेता सूरज गौहर, किशोर सारसर, पूर्व पार्षद हुकुम चंद मेलुंदे, नेता प्रतिपक्ष पार्षद गुल्लू राठौर, गोपाल खरे, अर्जुन बाली चौधरी, विक्की पहलवान, किरण चौधरी, चांद सिंह चौहान आदि ने मंच से समर्थन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को मांगों पर ज्ञापन सौंपा। मांगे नहीं मानी गई तो संपूर्ण प्रदेश की झाड़ू डाउन होगी। इंदौर में भी अति शीघ्र धरना प्रदर्शन एवं क्रमिक भूख हड़ताल पर सफाई कर्मी बैठेंगे। कर्मचारी कामगार एक बार एक नारा और जोर से हो जाए, चाहे जो मजबूरी हो, हम लोग पूरे कर्मचारी कामगार संघ, बाल्मीकि संघ, कर्मचारी कामगार संघ और सफाई मजदूर कांग्रेस सहित ट्रेड यूनियन के जो लोग यहाँ आए हैं, हमारी बिटिया रानी जो विगत 12-13 दिन से यहाँ अमर अनशन करके भूख हड़ताल में बैठी है, जिसको अपनी जान की परवाह नहीं है। लोग अपने घरों में सोए हुए हैं। हमने नारा दिया था, निकलो बाहरों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हमें बेईमानों से लड़ाई लड़ना होगा तो मैदान रगड़ना होगा। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान की रक्षा करने के लिए हमारे अपने प्राणों की आहुति भी चली जाए तो हमें उसकी परवाह नहीं होगी। दोस्तों, विगत 12 दिन से हमारी बिटिया रंजनी चौहान, रंजीता चौहान यहाँ अमर अनशन करके बैठी हुई है। ये प्रदेश की लाडली बहनाओं को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हर जगह बांटते फिर रहे हैं, लेकिन एक हमारी लाडली बहना जो यहाँ खंडवा में आमरण सन कर रही है, उसको डांट रहे हैं। जब सबको बांट रहे हैं, उसको क्यों डांट रहे हो? आज उसको 13 दिन संपूर्ण हो चुके हैं अपने भूख हड़ताल के लिए, और वो जिद्दोजहद में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गई है। भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाते हुए वो महिला जो इस प्रदेश के मस्टर सफाई श्रमिक हैं, जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जिनको विनियमित नाम दिया गया है, उन कर्मचारियों के लिए वो संघर्ष कर रही है। और रंजीता चौहान विगत 13 दिनों से भूख हड़ताल करके आज यहाँ मंच पर बैठी हुई है, जिसके समर्थन में इंदौर ही नहीं, खरगोन, उज्जैन, ग्वालियर, इटारसी, छिंदवाड़ा, भोपाल, रीवा के लोग भी यहाँ आए हुए हैं और उन्हें समय समय पर अपना समर्थन इस लड़की को दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने विगत दिनों इंदौर में भी संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया था, उसमें मांग करी थी कि जो खंडवा में जो लड़की रंजना चौहान बैठी है, उसको उसकी मांगों को पूर्ण की जाए। और पूरे प्रदेश में जितने भी मस्टर सफाई श्रमिक हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जो विनियमित रूप से काम कर रहे हैं, उनको नियमित रूप से किया जाए। कुछ बता रहे हैं कि समाज के लोग उनको हाँ, अब आज प्रातः काल इस हमें बड़ा दुख हो रहा है कि जो मर्द हैं वो कम आ पा रहे हैं खंडवा शहर के, लेकिन एक इनकी मर्दानगी देखो, जो किन्नर समाज के लोग हैं, जो गा बजा के अपना रोजी रोटी करते हैं,
वे लोग भी इस सफाई कामगारों के इस आंदोलन में शरीक होकर के अपने योगदान दे रहे हैं। यहाँ वैसे भोपाल से गोपाल खरे जी और पंजाब के विधायक महोदय भी सरदार यहाँ पर मौजूद हुए हैं, और हमारे साथीगण भी जो हैं, यहाँ शिव घावरी हैं, हरीश नागर जी पूर्व पार्षद बीजेपी के वो हैं, बालकृष्ण करोसिया जी हैं, सूरज गोहर और अन्य लोग भी यहाँ बैठे हैं। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। इंदौर से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दबंग न्यूज़ इंदौर। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।